नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों हमें बताना है कैलकुलेट दी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था EMF, वैसे यहाँ पे MMF जनरेट होता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द आप घुमा देते हैं, तो एक मैग्नेटिक सर्किट बन जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बहने लगता है दोस्तों उस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स बहने लगता है और यही मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, जिसकी यूनिट टेस्ला है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला। और दोस्तों MMF जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो है एम्पियर इंटू टर्न्स, यानी वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर कितनी करंट बह रही है और कितने टर्न लगा रखे हमने मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द। और कुछ इस तरीके से दोस्तों एक टोरॉइड ले लें, टोरॉइड यानी रिंग, रिंग के इर्द गिर्द करंट फ्लोइंग कंडक्टर के टर्न्स है दोस्तों, इसको टोरॉइड कहते हैं। इसकी लेंथ हो जाएगी आपके रिंग की 2 पाई आर, और ये जो नीले वाले से मैं शो कर रहा हूँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बह रही है दोस्तों। जैसे ये इलेक्ट्रिक में आपका करंट बह रहा है, वैसे ये मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बहने लगी है। ये मैग्नेटिक इस फ्लक्स की के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दोस्तों, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो आपकी MMF बताती है, मतलब स्ट्रेंथ किसी भी चीज की फोर्स बताता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये यहाँ पे कौन सा फोर्स है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी I into N। तो दोस्तों MMF हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H। म्यू नॉट जो है हमारी परमिटिविटी है, और नॉट से हम बता रहे हैं कि फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। और ये फाई जो है दोस्तों, और बाकी के लिए म्यू, और म्यू कैसे निकलेगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर देंगे। म्यू नॉट यानी फ्री स्पेस और या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और म्यू आर जो है रिलेटिव, इसके रिलेटिव में दोस्तों कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसकी कुछ वैल्यू आप उस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू मिल जाएगा, यानी बी इक्वल टू म्यू एच, या फिर अगर वो फ्री स्पेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू नॉट एच, अदरवाइज म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच। और ये जो है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी फाइव डिवाइड बाई ए। तो हमारा फाइव बाई ए क्या आ गया दोस्तों, म्यू नॉट इंटू एच क्या है, MMF पर यूनिट लेंथ। तो MMF हमसे पूछ रहा है कि कितना, हमसे क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसीलिए हमने दो तीन इक्वेशन बना के अपनी नई इक्वेशन बना ली जो हमें चाहिए। कैलकुलेट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.015 वेबर। फ्लक्स हमें दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कितना MMF चाहिए होगा इतना फ्लक्स जनरेट करने के लिए, अगर एयर गैप है 2.5 mm का और जो इफेक्टिव एरिया है 200 cm². तो दोस्तों हमें फ्लक्स दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, म्यू नॉट हमें पता है 4 pi × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। हेनरी दोस्तों होता है वेबर पर यूनिट करंट, एसआई यूनिट। फाई हमें पता है दोस्तों लेंथ MM में था इसलिए 10⁻³, और जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए 10⁻⁴। ये आ गया हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसकी यूनिट एसआई यूनिट तो एम्पियर होती है, मगर वैसे ये प्रोडक्ट है एम्पियर और टर्न्स का, तो एम्पियर टर्न ज़्यादा सहूलियत भरा है दोस्तों। ये हमारा आ गया MMF। आप जानते हैं MMF जो है प्रोडक्ट होता है करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स का। धन्यवाद।